तरुण हुकूमत और अपोजिशन जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम के नाम पर मुत्तफिक। नेटो सप्लाई के खिलाफ दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का लॉन्ग मार्च रवान दवा। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खतरा, सिक्योरिटी सख्त। रहमान मलिक ने फजाई निगरानी की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। 22 कैंप लगा दिए गए। मौलाना अहमद लुधियानवी, हाफिज मोहम्मद सईद और डॉक्टर कादिम हुसैन ढिल्लों को वफाकी दारुलहुकूमत में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में बलोचिस्तान अमन अमान केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब भी समाअत शुरू होती है मस्त शुदा लाशें मिलने लगती हैं, हर तीसरे आदमी को ऐसी उठा रही है। हुसैन हकानी ने मेमो केस से मुतालिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवा दिया। साबिक सफीर का तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। गुजरात सिक्योरिटी कैंप पर हमले में जान बहक अहलकारों की तादाद 8 हो गई। जख्मी सीएमएच में जेरे इलाज। दो रोज के वक्फे के बाद कौमी असेंबली का इजलास आज शाम को होगा। हुकूमत की जानिब से दोहरी शहरियत और तौहीन अदालत के तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह की 45वीं बरसी आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नजरिया पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम फातह खानी की तकरीर। पाले के लिए टेस्ट, दूसरे रोज का खेल बारिश की नजर। खाने के वक्त पे तक एक भी बॉल न करवाई जा सकी। और अभी की बॉक्स ऑफिस पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन का कब्जा। सिर्फ एक हफ्ते में 6.5 करोड़ डॉलर का बिजनेस।